क्या आप ये तीन क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो? पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है। एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। एक रोम्बस क्या होता है? एक रोम्बस वो क्वाड्रिलैटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड चारों साइड्स इक्वल टू ईच अदर होते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पैरेललोग्राम के सारे कंडीशंस फुलफिल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रोम्बस पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। एक रेक्टेंगल क्या होता है? एक रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। और एक और कंडीशन होता है जो कहता है कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज ही होनी चाहिए। अगर आप फिर से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं एंड सारे साइड्स इक्वल होते हैं टू ईच अदर। आप नोटिस करोगे कि एक स्क्वायर स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, रोम्बस का और एक पैरेललोग्राम का भी। सो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है यस।